हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेर सैन्यू, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी लोग का सबसे पहले काइजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और काइजन क्लासेज को जितना हो सके उतना क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन का ऑल प्रेस कीजिए ताकि आप सभी लोग का इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आज शुरू करेंगे आज हम सबसे पहले नंबर नंबर सिस्टम। क्या शुरू करेंगे? नंबर सिस्टम में आप लोगों का चल रहा है क्या चीज़? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का आज लास्ट है टाइप टू, आज से यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा और हम देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों का यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट में आप लोगों को पहले ही हम बता चुके थे कि अगर इसको फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर अगर पावर जनरल फॉर्म में हो तो, अगर पावर जनरल फॉर्म में हो तो क्या होगा? 0561 क्या होगा? नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ओड डिजिट रहेगा तो क्या होगा? ओड डिजिट रहेगा तो ऑलवेज वन होगा। इवन डिजिट रहेगा तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज ऑलवेज सिक्स होगा और बाकी डिजिट चार के बाद होगा। इसको आप लोग क्या किए थे, नोट कर लिए थे, तो इससे इसको इससे हम आगे चल रहे हैं और आगे देखिए क्या है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप टू का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए टाइप टू का फर्स्ट क्वेश्चन। 124 के पावर 372 प्लस 125 के पावर 374। तो देखिए पावर क्या है? पावर है जनरल फॉर्म में, तो पावर जनरल फॉर्म में है तो यहाँ पर लिखवाए थे आपको, अगर पावर क्या है, पावर आपका जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है तो क्या होगा? 0561 रहेगा तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर ओड डिजिट रहेगा तो, ओड डिजिट रहेगा तो ऑलवेज ऑलवेज वन, यानी हमेशा वन है, आपका आंसर होगा। और अगर इवन डिजिट रहेगा तो ध्यान दीजिए, अगर इवन डिजिट रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? ऑलवेज सिक्स होगा। ठीक, आइए आइए देखिए कैसे बनेगा। पावर क्या है? आपका जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है तो, और बाकी डिजिट क्या होगा? बाकी डिजिट चार के बाद। तो देखिए हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए क्या है, इवन डिजिट है तो इवन डिजिट हो गया तो क्या होगा? सिक्स हो जाएगा। और प्लस क्या है, फाइव है तो फाइव क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो छः पाँच कितना हो जाएगा? ग्यारह। यूनिट डिजिट कितना? वन। लेकिन ऐसे इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए 372 है तो इसको चार से भागा देंगे, तब चार से भागा दीजिए, चार के पावर कितना है? 372, इसमें चार से भागा दीजिए तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए चार नवा 36 और चार तीन 12, पूरा पूरा कट गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर जीरो। जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो पावर क्या होगा? पावर चार हो जाएगा। तो यानी चार के पावर क्या हो जाएगा? चार। प्लस इसको देखिए पाँच के पावर क्या है? 374। पाँच के पावर 374 और चार से भागा दीजिए तो चार नौ 36 और चार तीन 12, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? दो बचा। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा वही हम पावर के रूप में ले लेंगे। तो देखिए पाँच के पावर क्या हो जाएगा? पाँच स्क्वायर, अब इसको गुणा कीजिए तो चार का टेबल कितना बार पड़िएगा? चार बार पड़िएगा। तो चार पढ़िए, चरचौ के 16, छः चौ के 24, और चरचौ के 16, छः चौ के 24, चार हुआ। देखिए चार गुणे
चार गुणे चार कीजिएगा तो देखिए चार चौके 16 छः हुआ यहाँ पे इकाई अंक फिर गुणा कीजिए छः चौके 24 क्या हुआ चार हुआ इकाई अंक फिर चार से गुणा कीजिए चार चौके 16 छः क्या हो गया आपका यूनिट डिजिट हो गया। अब पाँच का स्क्वायर कीजिए 50 25 तो पाँच हो जाएगा छः पाँच देखिए आ गया ना 11 आ गया तो इकाई अंक क्या हुआ 1 हुआ यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक 1 आंसर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 बटा में कितना 100। अब इसका इकाई अंक पूछा है, क्या पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक बराबर क्या होगा इकाई अंक बराबर वाट यही पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा तो देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल 4 5 देखिए यहाँ पर क्या होगा 20 होगा तो यहाँ पे 10 आ गया तो ये क्या होगा 10 ये भी कैंसिल। अब बचा जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिए देखिए 2 × 3 6 × 6 × 12 12 इकाई अंक कितना 2 × 2 6 12 2 फिर 2 × 7 14 इकाई अंक कितना 4 × 4 8 32 इकाई अंक कितना 2 × 2 9 18 आपस में गुणा कीजिए तो 18 18 आ गया तो इकाई अंक कितना हो गया 8 इकाई अंक इज़ इक्वल टू कितना 8 ये हो जाएगा आप लोगों का क्या चीज आंसर। आपस में कुछ नहीं करना है बस 0 0 2 को देखिए कटा दीजिए बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन ध्यान देना इकाई अंक जब भी निकालना हो तो हमेशा इकाई अंक से मतलब रखेंगे और इकाई अंक निकाल कर आप लोग इकाई अंक से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोगों का इकाई अंक निकल जाएगा ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए 81 × 82 × 83 × ……… कितना 89 तक। अब इसमें पूछा है क्या चीज़ इसमें पूछा इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक बराबर क्या चीज़ वाट। अब देखिए इसको इसको निकालना इकाई अंक तो ओनली फॉर ओनली आप लोगों को बताए थे इकाई अंक से मतलब रखा है। देखिए इसमें क्या क्या आएगा 81 × 82 × 83 × ……… 84 × ……… 85 × ……… 86 × ……… 86 ×       86 तब आएंगे हम लोग बढ़ेंगे यानी …89 तक। हम लोग देखिए देख लिए एक क्या है 1 5 है और एक क्या है सम संख्या है और 1 5 और 1 सम संख्या जब आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 तो इकाई अंक 0 तो 10 आ गया और 0 में बाकी किसी से भी गुणा कीजिएगा तो 0 ही होगा। देखिए 0 × क्या चीज़ 0 × दुनिया क्या होगा 0 × दुनिया 0 × कुछ हो 0 × कुछ हो क्या होगा 0 वही हो जाएगा आप लोगों का क्या चीज आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए 25 की पावर क्या चीज 57 − 1 25 की पावर 57 − 1। अब देखिए इसको इसका क्या पूछा है इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक बराबर वाट। देखिए अगर पावर क्या है पावर जनरल फॉर्म में है तो पावर जनरल फॉर्म में है तो क्या चीज़ 5 रहेगा तो चेंज होगा नहीं होगा यही देखिए 5 नो चेंज तो इकाई अंक क्या है 5 नो चेंज 5 5 आपका आंसर हो जाएगा −1 कर दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 4 आपका ये हो जाएगा क्या चीज़ इकाई अंक यहाँ से निकल जाएगा इकाई अंक। लेकिन कहीं डिटेल बनाइए तो देखिए डिटेल कैसे बनेगा 5 की पावर क्या लेंगे जनरल फॉर्म में 57 इसको क्या करेंगे बाकी डिजिट 4 के बाद 4 से भागा दीजिए इसको 4 × 4 = 16 16 रिमाइंडर कितना बचा रिमाइंडर बचा आपका 1 माइनस क्या चीज़ है 1 है तो 5 − 1 कीजिएगा क्या चीज़ हुआ 4 ये हो जाएगा आपका वैसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए ये अगर इस फॉर्मूले का आप लोग याद रख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से निकल जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगा ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज से यूनिट डिजिट खत्म हो गया बाकी किसी भी बुक से यूनिट डिजिट आप लोग बनाइएगा फिर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट डिजिट का आप लोग ऑल टाइप यूनिट डिजिट हम करा दिए जहाँ तक हमसे हो पाया है देख लीजिए लास्ट टाइप है टाइप 3 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अब पूछता नहीं है लेकिन एसएससी में पूछा था ये देखिए क्या है क्वेश्चन 32 की पावर 32 अब 32 की पावर 32 अब इसका पूछा है क्या चीज़ इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक क्या होगा इकाई अंक इज इक्वल टू वाट। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे 32 की पावर 32 है देखिए तो 32 की पावर 32 अब 12 32 तो 32 की पावर आपस में इसको हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जब 32 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1024।
अब क्या आ गया, पावर आ गया हमारा क्या चीज में, जनरल फॉर्म में। देखिए जनरल फॉर्म में तो जब भी जनरल फॉर्म में रहेगा तो आप लोगों को पहले ही बताया है 0561 नो चेंज, और डिजिट ऑलवेज 1 होगा आंसर, इवन डिजिट आएगा तो ऑलवेज 6, अब बाकी डिजिट 4 के बाद। देखिए देखिए इवन डिजिट है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। इवन डिजिट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट 6 हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, कहिएगा कि सोल्व करके बताइए। देखिए सोल्व कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में है तो देखिए एक है 24 को क्या कीजिएगा, 4 से भाग दीजिए तो 4 दुना के 8, यहाँ पर 2 बचा 4 5 20 और 4 6 के 24, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 2 के पावर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, अब 2 के पावर 4 बार क्या कीजिए आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दुना के 4 और 4 दुना के गुणा कीजिए कितना हुआ 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, इकाई अंक कितना हुआ 6। देखिए निकल कर आ गया इकाई अंक 6, इकाई अंक बराबर क्या चीज 6। मतलब अगर आप लोग इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो कोई आसान एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और मेरे तरफ से आप लोगों का यूनिट डिजिट क्या हुआ समाप्त हो गया, और कल हम शुरू करेंगे आप लोगों का रिमाइंडर थ्योरम, और यूनिट डिजिट आप लोग पूरा कवर हो गया, और कल से हम शुरू करेंगे आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम। क्या चीज़ शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम में है क्या चीज़ रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम। आज से यूनिट डिजिट पूरा समाप्त हो गया, इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। कल से आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, और इसके दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, मारने का प्रयास करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों का नहीं फंसेगा, जैसे यूनिट डिजिट हम कवर कराएं आप लोगों को, वैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा इसको एक बार देखिएगा, उसके बाद खुद से कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा किसी भी बुक से यूनिट डिजिट का इकाई अंक का यानी इकाई अंक का, उसको आप लोग सोल्व करिएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और हमारे तरफ से एकदम ऑल इज वेल है। चलिए चलते चलते माँ तेरे पसीने की हर बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़ा देखना पूरा कर कर ये तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। ठीक है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, लगी हो आग तो ये आग लगनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सबसे पहले काइजेन क्लासेज को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्या कीजिए शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए थैंक यू।